अब सबको गुड इवनिंग एंड ये जो प्रेजेंटेशन है इसमें मैं बजट के दिन में कौन सा ऑप्शन स्ट्रैटेजी सही रहेगा उसी के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूं। एंड मैं रंजन स्मार्ट फाइनेंस के, हमारा जो कंपनी है स्मार्ट फाइनेंस उसका मैं सीईओ हूं। एंड ये जो प्रेजेंटेशन है इसमें आपको बजट के दिन में कौन सा ऑप्शन स्ट्रैटेजी लेना सही रहेगा इसके बारे में आप सीखने वाले हैं। मैं ये सेशंस शुरू करने से पहले कुछ अनाउंसमेंट है ये आप लोगों को बोलना चाहता हूं। जब आप ये वीडियो देखें तो इसको अंत तक देखिएगा, जस्ट 2 मिनट देख लिए तो ये स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आएगा, पूरा अंत तक देखिएगा तब जाके आपको ये स्ट्रैटेजी का क्यों लिया गया, किस लिए लिया गया ये सारे समझ में आएगा। दूसरा, ये स्ट्रैटेजी जब आपको अगर अच्छा लगे तो ये आप अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिएगा एंड अगर अच्छा लगे तो एक लाइक भी दीजिएगा, वो वीडियो में एक लाइक बटन होता है उसमें लाइक दीजिएगा। ये सही तरीका होता है कुछ चीज सीखने के लिए। एंड और एक जो अनाउंसमेंट है, हमारा छोटे छोटे कोर्सेस होते रहते हैं, जैसे अभी फरवरी में एक 10 इंट्राडे ट्रेडिंग का कोर्स होने वाला है। इसमें अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं इंट्राडे में तो इसमें आप ये 590 रुपए का एक कोर्स होता है इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। मार्च में ऑप्शन स्ट्रैटेजी के ऊपर में कोर्स होगा जिसमें बहुत सारे ऑप्शन आप स्ट्रैटेजी सीखेंगे, आपको एक साल में वो स्ट्रैटेजी कैसे काम किया, 6 महीने में कैसे काम किया, आरबीआई के रिव्यू के टाइम में कैसे काम किया, इस तरह से बहुत वैलिड कॉन्सेप्ट आपको सिखाया जाएगा। ये छोटे छोटे कोर्सेस होते हैं बट इसमें आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस मिलते हैं कैसे काम करना चाहिए मार्केट में। तो अगर आप उसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो ये प्रोग्राम का रजिस्ट्रेशन भी अभी ओपन है, 590 रुपए का प्रोग्राम है, आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं क्योंकि इससे बहुत बड़ा अमाउंट आप लोग ब्रोकरेज में टिप्स में खर्चा कर रहे हैं और थोड़ा सा कुछ भी सीख लिए, 2-3 स्ट्रैटेजी सीख लिए, ये भी आपका काम का रहे। तो अभी ये जो स्ट्रैटेजी मैं बताने जा रहा हूँ, स्ट्रैटेजी की तरफ चलेंगे, ये जो स्ट्रैटेजी मैं बताने जा रहा हूँ ये बजट के लिए एक सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजी रहेगा। मैं तो ये तो बताऊंगा ये स्ट्रैटेजी क्यों लिया गया, किस लिए लिया गया इसके बारे में तो डिस्कशन करेंगे, पहले देख लेते हैं वो स्ट्रैटेजी होता क्या। ये बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी है बट थोड़ा डिफरेंट हटके ही है। जैसे यहाँ पे मार्केट न्यूट्रल, मार्केट किस डायरेक्शन पे जाएगा जो बजट के टाइम में वो तो हमें पता नहीं है, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी आ सकता है, फिर भी एक न्यूट्रल स्टैंड लेके हम करेंगे। तो ये न्यूट्रल स्टैंड करने के लिए मैंने कॉल एंड पुट दोनों को यहाँ पे डिवाइड किया। यहाँ पे कॉल में मैं 12,100 का कॉल ऑप्शन मंथली कॉन्ट्रैक्ट बेच रहा हूँ फरवरी का एक लॉट, 12,200 का कॉल ऑप्शन 2 लॉट खरीद रहा हूँ, इसको 2:1 रेशियो स्प्रेड बोलते हैं। उसके बाद में 12,600 कॉल ऑप्शन मार्च महीने का एक्सपायरी का एक लॉट बेच रहा हूँ, फरवरी का नहीं मार्च का बेच रहा हूँ एक लॉट। तो ये तो बटरफ्लाई बना, बड़ा थोड़ा हटके हो गया क्योंकि ये मार्च महीने का आपने बेच दिया। उसी तरह से पुट में कोई मार्च का कॉन्ट्रैक्ट मैंने नहीं लाया, मैंने फरवरी का ही रखा, तो 27 फरवरी का 12,000 का जो पुट है उसको बेच रहा हूँ, 11,900 का पुट को खरीद रहा हूँ 2 लॉट एंड 11,700 का पुट ऑप्शन जो है इसका एक लॉट में बेच रहा हूँ। इसी तरह से इसमें भी मैं एक स्ट्रैटेजी फॉर्म कर रहा हूँ। ये स्ट्रैटेजी बनाने के बाद में ये आता है ये स्ट्रैटेजी क्यों बनाया गया, इसमें ये जो स्ट्राइक है उसको क्यों चूज किया गया, उसके लिए थोड़ा ट्रेंड को एनालिसिस करना भी जरूरत है। इसलिए मैं हमारा जो वन स्टैंडर्ड डेविएशन का जो सॉफ्टवेयर है उसी को लेके मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड का एनालिसिस किया, निफ्टी फ्यूचर का आने वाले 5 दिनों में क्या ट्रेंड रहेगा। आज मार्केट खत्म हो गया है, ये 30 जनवरी को हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कल आपको इसको इनिशिएट करेंगे, 31 से ही
आप इनिशिएट कीजिए ये स्ट्रैटेजी, 31 जनवरी को कल ही इनिशिएट कीजिए, बजट डे का बेनिफिट मिलेगा। तो ये बताता है अगर 12,080 के ऊपर में चला जाता है अप ट्रेंड सेट होगा, 12,105 में कंफर्मेशन आ जाएगा अप ट्रेंड का। एंड ये जो अप ट्रेंड अगर चलेगा तो पहला साइकिल में 12,300 तक जाएगा, दूसरे में 12,421, तीसरे में 547 यहां तक आएगा। इसलिए मैं 12,600 का कॉल ऑप्शंस को बेच रहा हूं मार्च महीने का। तो 3 साइकिल कंप्लीट हो गया, तो मेरा रेशियो स्प्रेड में सबसे बड़ा प्रॉफिट बनेगा एंड ये जो कॉल ऑप्शंस भी कुछ हैम्पर नहीं करेगा। दूसरा आता है दूसरा जो साइकिल, यहाँ पे अगर आप देखें डाउन ट्रेंड का साइकिल 12,009 से शुरू होता है एंड ये अगर कंटिन्यू करेगा, दूसरा साइकिल 11,675, तीसरा 11,557 तक जाएगा एंड यहाँ पे क्लस्टर भी बैठता है 11,700 के आसपास। तो इसलिए 11,700 का पुट ऑप्शंस भी मैंने बेचा, जो पुट बेचा है हायर स्ट्राइक लोअर स्ट्राइक का, कॉल बेचा हूं हायर स्ट्राइक का, वो क्यों बेचा इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेंड देख के इसको वैलिडेट करवा दिया। एंड ये तो बाकी का सब नेचुरल है, 12,000 से नीचे में आपका डाउन ट्रेंड होता है इसलिए 12,000 का पुट मैंने बेचा एंड इसके साथ में 11,900 का पुट 2 लॉट खरीदा। इसी तरह से 12,100 के ऊपर में अप ट्रेंड बनता है इसलिए 12,100 का कॉल ऑप्शंस को मैंने बेचा एंड 12,200 का कॉल ऑप्शंस को खरीदा, 2 लॉट खरीदा। तो यहां तक आपको समझ में आ गया ये स्ट्राइक सब में कैसे चूज किया, ये ट्रेंड को देख के ही मैंने चूज किया एंड मैं 4-5 दिन इसको होल्डिंग करने के लिए ही सोच रहा हूँ, ज्यादा नहीं। बजट के बाद में अगर कंसोलिडेशन हो गया, कुछ मूवमेंट्स नहीं हुए, तो जो भी छोटा सा प्रॉफिट या लॉस होगा उसको लेके हम आ जाएंगे, और बड़ा मूवमेंट हो गया तो उसी हिसाब से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो रहा है ये जानना जरूरी है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है। जो पुट वाला कॉम्बिनेशन है, जो 12,000 का पुट हमने बेचे, 11,900 का खरीदे 2 लॉट एंड 11,700 का पुट, ये जो सॉफ्टवेयर है ये हमारा ऑप्शन स्ट्रेटेजी का सॉफ्टवेयर है। इसका 10,600 इसका कॉस्ट होता है 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए 10,600 का कॉस्ट होता है। ये एंड्रॉइड ऐप में भी मिलता है, डेस्कटॉप में भी मिलता है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है उसी में हम मैंने ये निकाला, तो ये दिखा रहा है अगर 11,400 12,400 के ऊपर में भी जाता है मुझे सिर्फ 1,200 रुपया का लॉसेस लगेगा इसमें। अगर ये बढ़ने लगा 12,400 तक गया, मुझे 1,100 रुपया का लगेगा लॉसेस। अगर वो नीचे गिरता है जो एक्सपेक्टेड हमारा ये बताता है कि 11,557 यहाँ पे अगर आता है तो 2,500 का प्रॉफिट देगा, अगर 700 के आसपास में आता है 1,600 रुपया का प्रॉफिट देगा। तो ये प्रॉफिट लॉस भी दिखा रहा है क्या क्या प्रॉफिट होगा एंड क्या क्या लॉस होगा। उसी हिसाब से अगर देखें जो कॉल वाला कॉम्बिनेशन है उसमें मिक्स्ड है, कुछ फेब्रुअरी का है कुछ मार्च के हैं कॉन्ट्रैक्ट, तो उसका प्रॉफिट लॉस क्या रहेगा। उसका जो भी एनालिसिस है वो ये डेस्कटॉप वाला हमारा जो एंड्रॉइड ऐप है डेस्कटॉप वाला है इसमें आप कर नहीं पाएंगे। हमारा जो ऑप्शन स्ट्रेटेजी का जो एंड्रॉइड एडिशन है एंड्रॉइड ऐप है उसमें कर सकते हैं। मार्च का 1 लॉट बेचा गया, फेब्रुअरी का 2 लॉट खरीदा गया, तो इसका क्या रहा। तो ये बताता है अगर इस तरह से स्ट्रेटेजी बनाया जाता है तो ये बताता है कि हाँ अगर इस तरह का स्ट्रैटेजी बनेगा तो हमें जो जो रहेगा जो हमारा 12,400 के आसपास में हमें 3,500 का प्रॉफिट यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे भी एक और एक भी दिखा रहा था जो 12,000 जो 500 400 के ऊपर में ये हमें 5,000 के आसपास में दिखा रहा है प्रॉफिट। तो अगर मैं नेट ऑफ लूं, मान लीजिए 12,500 में ये आ गया, तो 12,500 में आप देख रहे हैं 500 95, 500 में 5,100 का प्रॉफिट मिल रहा होगा आपका कॉल के तरफ से। पुट के तरफ से कितना लॉस जा रहा होगा उसको भी देख ले। तो अगर 12,500 आ गया, 12,500 आ गया तो पुट में 1,200 रुपया का 1,227 रुपया का लॉस जा रहा होगा। तो यहाँ पे 1,227 रुपया का लॉस जाएगा, तो 1,227 1,200 रुपया को लॉस कर देते हैं
नेट जो है यहाँ पे 0 0 रह गया, 11 से 2 गया 9, यहाँ पे 4 से गया 3, 3,900 या 4,000 के आसपास में प्रॉफिट मिल रहा होगा। इससे थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि ये कंजर्वेटिव एस्टिमेट का प्रॉफिट है, इसमें बहुत कंजर्वेटिवली हम किए हैं, बट लगभग एक 20-25% का एक्सेस प्रॉफिट मिलेगा, यहाँ पे 6,000 के आसपास में मिलेगा। अगर ये नीचे की तरफ जाता है जो 11,700 के आसपास में जो एक्सपेक्टेशन है, यहाँ पे अगर आता है तो आपने देखे कि पुट के कॉम्बिनेशन में एक 1,600 रुपया प्रॉफिट मिल रहा है, एंड जो कॉल के कॉम्बिनेशन रहेंगे उस टाइम में उसमें भी एक 1,100 रुपया के आसपास में लॉस रहा होगा। सो नेट 500 से 600 रुपया या 1,000-1,500 रुपया मिल सकता है, तो थोड़ा सा 750 से 1,000 रुपया भी मिल सकता है, क्योंकि गिरने से आईवी भी बढ़ जाएंगे। तो ये जो बताता है, तो इसमें जो आइडिया है, इसमें जो थीम है वो क्या है, तो इसको क्यों ऐसे क्यों चूज किया गया, कॉल की तरफ ज्यादा तवज्जो दिया गया एंड जो पुट के तरफ इस तरह से कंजर्वेटिव अप्रोच लिया गया क्यों? क्योंकि अगर आप देखें 12,400 से मार्केट में एक करेक्शन आया हुआ है, गिरावट आया हुआ है, एक बड़ा गिरावट आया है। अभी 12,000 तक हम आ गए, एक 3% का गिरावट ऑलरेडी आ चुका है। तो मैं अभी सोच रहा हूं अगर बजट थोड़ा सा भी फेवरेबल हुआ तो ये जो करेक्शन हुआ है, ये करेक्शन में भी एक बहुत बढ़िया करेक्शन है इंडेक्स में, तो ये रिबाउंस हो सकता है। अगर बजट नॉन फेवरेबल रहा तो फर्दर गिरावट आएगा एंड वो फर्दर गिरावट में हमें प्रॉफिट तो ना मिलेगा, बड़ा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, फिर भी लॉसेस नहीं लगा। अगर फर्दर एक 4-5% का करेक्शन आ जाता है तो हमें कॉल के साइड से ज्यादा डैमेज नहीं होगा, जो भी डैमेज होगा वो पुट के साइड से रिकवर हो जाएगा। अगर रिबाउंड होता है तो कॉल के साइड से बड़ा प्रॉफिट आएगा, पुट के साइड से छोटा लॉसेस जाएगा। तो यही है आइडिया इस प्रॉफिट, ये जो स्ट्रेटेजी के पीछे में, एंड ये बजट डे के लिए सही रहेगा, इसीलिए आपको 31 जनवरी यानी कि कल ही अगर चाहिए तो इनिशिएट कर देना चाहिए। इसमें 3.7 लाख रुपीज का मार्जिन लगेगा, अभी थोड़ा मार्जिन का जो सिस्टम है थोड़ा बड़ा है, एंड कुछ दिनों के बाद में जब वो रिवाइज मार्जिन स्ट्रक्चर आ जाएंगे तो ये मार्जिन भी घट जाएंगे, बहुत घट जाएंगे। तो अभी जो फिलहाल जो मार्जिन स्ट्रक्चर है इसके हिसाब से 3.75 लाख का मार्जिन लगेगा, एंड फंड तो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको 2,500 के आसपास में आपको कैश लगेगा एंड ब्रोकरेज एंड टैक्सेस। एंड ये बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है, इसको आप लेके एक्सपीरियंस कर सकते हैं बजट के दिन में ये कैसे परफॉर्म करता है, एंड जो भी आपका फीडबैक हो वो आप कमेंट के सेक्शन में यूट्यूब का वीडियो में लिखिए, मैं उसका रेस्पॉन्ड करूंगा। एंड इसको मैंने हमारा जो ऑप्शन स्ट्रैटेजी का सॉफ्टवेयर है जिसका 10,600 का वैल्यू होता है, एंड्रॉइड ऐप प्लस डेस्कटॉप दोनों मिला के, डेस्कटॉप प्लस ऐप ये दोनों मिला के, ऐप में कुछ नया फीचर्स है, डेस्कटॉप में कुछ फीचर्स है, इसी तरह से ये दोनों टूल जो आता है साल का, ये 1 साल का रहता है, 1 ईयर का। तो ये एक सॉफ्टवेयर है, ये बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है, इसको अगर आप लें तो इसमें ये बहुत बढ़िया प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस करके देगा, एंड वो कंजर्वेटिव एस्टिमेट रहेगा, आपका जो लॉसेस है वो प्रोजेक्शन से कम होगा, लॉसेस जो है ये प्रोजेक्शन से कम होगा, प्रॉफिट जो है प्रोजेक्शन से ज्यादा होगा, तो इसीलिए इसको थोड़ा बनाया गया है। तो आपका ये जो इसमें ग्रीक स्कैनर भी है, नेट ग्रीक ये जो स्ट्रेटेजी का हुआ, ये नेट ग्रीक क्या हुआ वो भी है, ग्रीक स्कैनर है, एंड इसमें एडवांस प्राइस ट्रेंड एनालाइजर भी है, मंथली क्या ट्रेंड रहेगा, वीकली ट्रेंड क्या रहेगा, ये सारे आते हैं, कंसोलिडेशन बैंड क्या बनेगा, बहुत सारा चीज इसमें है। तो अगर आप एक प्रोफेशनल वे में करना चाहते हैं तो ये एक आपको बहुत बढ़िया एक डिसीजन प्रोसेस के लिए, एक सबसे आपका डिसीजन लेने के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण टूल बनेगा। तो अगर आप चाहते हैं इस प्रोग्राम ये को लेने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जो जो भी जरिया हो, चाहे ईमेल के जरिए में जो भी हो, नहीं तो आप ये नंबर पे 9941-05705 05705 ये नंबर पे आप मुझे संपर्क भी कर सकते हैं। और ये स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए भी कुछ प्रॉब्लम्स आए फिर भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको समझने के लिए मदद करूंगा।
तो इसी के साथ में मैं इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूं। आपसे फिर से अनुरोध करूंगा, इसमें एक लाइक दीजिए, इसको अपने दोस्त लोगों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर।